सिविल कोर्ट की परीक्षा की तिथि पहले से घोषित थी, लेकिन बिहार दरोगा पीटी परीक्षा की तिथि बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बाद में घोषित किया। बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को ये देखना चाहिए था कि जब 17 दिसंबर को पहले से बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा की तिथि है तो उसी दिन हम बिहार दरोगा की पीटी परीक्षा क्यों ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम। बिहार में लगातार छात्र आंदोलन करते रहे हैं, ऐसे में अब एक नया मामला सामने आया है। दरोगा बहाली की परीक्षा 17 दिसंबर को होने वाली है, ऐसे में उस दिन अन्य प्रतियोगिता परीक्षा भी है। अब छात्र नेता ये मांग कर रहे हैं कि उस दिन जो 17 तारीख को बीएसएससी जो एग्ज़ाम करवा रही है, जिस अभ्यर्थी का अन्य प्रतियोगिता परीक्षा है उस दिन उसे अलग एक दिनांक निकाला जाए और परीक्षा करवाया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, आप सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 17 दिसंबर को बिहार दरोगा पीटी परीक्षा आयोजित होने जा रही है और 17 दिसंबर को ही बिहार सिविल कोर्ट के लिए दो पदों की परीक्षा होने जा रही है। सिविल कोर्ट की परीक्षा की तिथि पहले से घोषित थी, लेकिन बिहार दरोगा पीटी परीक्षा की तिथि बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बाद में घोषित किया। बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को ये देखना चाहिए था कि जब 17 दिसंबर को पहले से बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा की तिथि है तो उसी दिन हम बिहार दरोगा की पीटी परीक्षा क्यों ले। 18 दिसंबर को इनको परीक्षा लेनी चाहिए या फिर एक सप्ताह 10 दिन बाद दरोगा की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जानबूझकर पहले से जब किसी परीक्षा की तिथि रहती है उसी दिन ही अपना परीक्षा लेते हैं। इससे पहले भी एक दो बार ऐसा हो चुका है कि बीपीएसएससी ने उसी दिन परीक्षा आयोजित करवाई जिस दिन पहले से किसी परीक्षा की तिथि घोषित थी और हजारों अभ्यर्थी अपने अधिकार से वंचित हो जाते हैं। यहाँ पे बीपीएसएससी गलती कर रही है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हजारों अभ्यर्थियों से हक छीन रही है। हजारों अभ्यर्थियों का यह हक है कि वो जितनी परीक्षा चाहें दे अगर वो योग्यता रखते हैं तो, लेकिन यहाँ बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभ्यर्थियों का हक छीन रही है, उनके अधिकार का हनन कर रही है, उनसे उनका अधिकार छीन रही है बीपीएसएससी। बीपीएसएससी को चाहिए या तो अपनी परीक्षा बिहार दरोगा की पीटी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दे, या फिर वैसे अभ्यर्थी जिनका बिहार दरोगा के अलावा कोई और परीक्षा है वैसे अभ्यर्थियों की दरोगा की परीक्षा वो बाद में आयोजित करवावे, 18 को करवाए, 20 को करवाए या जब करवाए, लेकिन 17 को ना करवाए। वैसे अभ्यर्थी या ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जिनका दरोगा के अलावा और भी परीक्षाएं हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को चाहिए कि या तो उनकी परीक्षा बाद में आयोजित करवा ली जाए या पूरी परीक्षा की तिथि बाद में कर दी जाए, 10 दिन आगे कर दिया जाए, एक सप्ताह आगे कर दिया जाए। क्या दिक्कत है इसमें? बीपीएसएससी को इतनी हड़बड़ी क्यों है? जब पहले से 17 दिसंबर को सिविल कोर्ट और भी कई परीक्षाएं हैं तो उसी दिन दरोगा की पीटी परीक्षा आयोजित करवाने का क्या औचित्य है? इसलिए हम बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि या तो आप पूरी परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दीजिए, नहीं तो जिन अभ्यर्थियों का बिहार दरोगा के अलावा कोई और परीक्षा है वैसे अभ्यर्थियों के लिए आप 17 के बाद 18 हो, 20 हो, जब हो, यानी 17 दिसंबर के बाद दरोगा की पीटी परीक्षा आयोजित करवाइए। और ऐसा पहले भी हो चुका है, 1717 दरोगा बहाली के समय हुआ था जब बिहार पुलिस में तैनात सिपाही जो थे वो चुनाव ड्यूटी में थे तो उन लोगों के जो परीक्षा ली गई थी वो बाद में आयोजित करवाई गई थी, उन लोगों की परीक्षा छूट रही थी। हम लोगों ने जब आवाज़ उठाया तो बीपीएसएससी ने जो सिपाही थे जो चुनाव ड्यूटी में थे उनके लिए अलग से एक सप्ताह 10 दिन बाद परीक्षा आयोजित करवाई थी। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा दरोगा के अलावा कोई और भी परीक्षा है तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बीपीएसएससी 2-3 दिन बाद दरोगा की परीक्षा आयोजित करवावे, और वैसे अभ्यर्थी जिनका दरोगा के अलावा कोई और भी परीक्षा है उन सभी अभ्यर्थियों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के ऑफिस जाइए जो सप्तमूर्ति विधानमंडल के पास है, सप्तमूर्ति विधानमंडल के पास है, वहाँ पे आप लोग जाइए और आवेदन दीजिए। जो भी आपकी परीक्षा है, 2 परीक्षा हो 3 परीक्षा हो, सबका एडमिट कार्ड लगा के और आवेदन दीजिए और मांग कीजिए कि आप लोगों के लिए दरोगा की पीटी परीक्षा बाद में आयोजित करवाई जाए, क्योंकि दरोगा की पीटी परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की गई है। सिविल कोर्ट या और भी जो परीक्षा है उसकी तिथि पहले से घोषित थी और दरोगा पीटी की परीक्षा बाद में घोषित की गई, इसलिए वैसे अभ्यर्थियों जिनका दरोगा के अलावा कोई और परीक्षा है उनके लिए बाद में परीक्षा बीपीएसएससी दरोगा पीटी परीक्षा बाद में आयोजित करवावे। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका दरोगा के अलावा कोई और परीक्षा 17 को है तो आप लोग बीपीएसएससी ऑफिस जाइए, ऐसे बैठे रहिएगा तो नहीं काम चलेगा।
आप लोग को जाना पड़ेगा, तो आप लोग जाइए बीपीएससी ऑफिस जाकर और वहां आवेदन दीजिए। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, जो लोग भी मुझे फोन किए हैं उनको मैंने पहले भी ये बात बताई है, तो पता नहीं कितने लोग गए कि नहीं गए, तो आज हम वीडियो बनाना पड़ा। आप लोग जाइए बीपीएससी ऑफिस जाइए और आवेदन दीजिए और मांग कीजिए कि आपके लिए दरोगा की परीक्षा बाद में आयोजित करवाई जाए। और बीपीएससी से भी हमें मांग कर रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन सर से मांग कर रहे हैं कि आप वैसे अभ्यर्थी जिनका दरोगा के अलावा कोई और परीक्षा है उनकी परीक्षा आप बाद में आयोजित करवाइए और पूरी पारदर्शिता के साथ दरोगा पीटी परीक्षा आयोजित करवाइए, साथ ही पूरी बहाली को पारदर्शिता के साथ आयोजित करवाइए, जिसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट, परीक्षा समाप्ति बाद दीजिए, परीक्षा के कुछ दिन बाद आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए तो कटअप के साथ ही सभी का मार्क्स बताइए। पीटी, मेंस, फिजिकल तीनों में अभ्यर्थियों का रोल नंबर, एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं। और जब फिजिकल टेस्ट लेते हैं तो फिजिकल टेस्ट के तुरंत बाद फिजिकल का मार्क्स भी रिटर्न में दीजिए, लिखित रूप में दीजिए। पारदर्शिता के बगैर दरोगा बहाली का कोई औचित्य नहीं है। आप जब तक पारदर्शिता नहीं लाइएगा, बगैर पारदर्शिता के आपकी कार्यशैली पर संदेह उत्पन्न होगा, आप पे उंगलियां उठेंगी, आप पे आरोप लगेंगे, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त बहाली कीजिए और पारदर्शिता लाइए। तो आपने सुना, छात्र नेता दिलीप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बीएसएससी है जो 17 दिसंबर को दरोगा बहाली की परीक्षा करवा रही है, जिन अभ्यर्थियों का अन्य प्रतियोगिता परीक्षा उस दिन है उसके लिए एक अलग से तारीख निर्धारित करे और उस दिन उसका एग्जाम करवाए। बीपीएससी की ये मंशा रही है कि पहले से वो जिस दिन अन्य प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसी दिन दरोगा बहाली की प्रतियोगिता परीक्षा करवा देती है। क्या कुछ कहा छात्र नेता दिलीप, आपने सुना, आप बने रहे न्यूज फाउंडेशन के साथ।